हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स स्टेट्स ऑफ ऑफ मैटर। मैटर। तो बच्चा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तीन बेसिक स्टेट्स तो सबने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम यहाँ आज मैटर की फाइव स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट वन बाय वन। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस कंडेंसेट। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। एज यू ऑल नो, सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनमें क्या होती है, उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उनका मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लाइक रजे, मार्कर है, वुड है, बोर्ड है, जो भी सॉलिड्स चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, कांट कंप्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। और कंप्रेस ना करने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स्ड। और सेकेंडली, सॉलिड्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी होने की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं। और डेंसिटी क्या होती है, हमें सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम। जब मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब जो मास है और जो डेंसिटी है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। और वॉल्यूम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये नॉट कंप्रेसिबल है, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का वो बहुत कम होता है। सॉलिड का वॉल्यूम कम तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट सॉलिड्स डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी स्लोली। दैट मींस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिफ्यूज़न है क्या। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, सॉलिड डिफ्यूज़ इनटू वन अनदर वेरी स्लोली। तो क्या आप दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स कर सकते हो? तो वो मिक्स होते हैं लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं। तो वैसे तो हम यही बोलते हैं कि उनकी इंटरमिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है उनमें इंटरमिक्सिंग, हम ये कह सकते हैं। लाइक फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से या फिर मार्कर से लिख रहे हो और उसके उसको थोड़े दिन के लिए लिखा ही रहने दो, तो आप क्या देखोगे, बाद में उस बोर्ड को, वाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को रब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंक के इंटर जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बोर्ड में मिक्स होने लग गए। इसीलिए उसको जो साफ करना था, रब करना था, वो क्या हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न सॉलिड्स में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड्स का डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, पर इनडेफिनेट शेप होती है। ये जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। और स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स। जैसे हम सॉलिड्स को कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो उसके कंपैरिजन में हम लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। पर इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और पर जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ ईजिली हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है पार्टिकल्स के बीच में, कम है और सॉलिड्स के मुकाबले, तो उनको हम इजीली एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल आपको पता ही है, हम दूध के अंदर पानी डालते हैं, दो लिक्विड्स को हम आपस में इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, दैट मतलब मिक्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, प्रॉपर्टी ऑफ गैस में हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी पार्टिकल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मास इसका डेफिनेट होता है, बट वॉल्यूम एंड शेप इज़ इनडेफिनेट। और हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेज, और डेंसिटी जो होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, और गैसेज का जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत फास्ट होता है। देखो, तुम्हें पता है कि हाईली कंप्रेसिबल हम नॉर्मली भी देखते हैं हमारे घरों में, जो LPG सिलेंडर्स आते हैं, CNG सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हम गैसेज को कंप्रेस करके डाल लेते हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तभी तो हम उसको इतने इजीली वे में कंप्रेस करके उसको एक छोटे से सिलेंडर में फिल कर लेते हैं, और वो गैस सिलेंडर हमारा 1 मंथ 2 मंथ भी चल जाता है, तो इसीलिए। और सेकंड, गैसेस डिफ्यूज़ बहुत जल्दी होती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और रैंडमली मूव करने के कारण उनकी जो कनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो डिफ्यूज़ बहुत जल्दी होती है। आज हमने प्रॉपर्टीज़ की, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो होप आपको सबको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोज़ को और अच्छा बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।